Welcome to student tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is refraction of light. अभी तक हमने जितने भी क्लासेस जो हमारी ये लाइट चैप्टर की हुई है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. उसमें क्या होता कि लाइट जो है किसी भी जो पॉलिश सरफेस था या रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस पर क्या होती, इंसिडेंट हो रही थी और इंसिडेंट होने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हो जा रही थी. यानी कि वो उसको क्या कर रही थी, वो उसको पास नहीं कर पा रही थी या उस दूसरे मीडियम में वो प्रोपोगेट नहीं कर पा रही थी. ठीक है, तो वहां पे क्या होता कि वो जब लाइट जो है इंसिडेंट हो रही थी सेम मीडियम में और वो उसी सेम मीडियम में वो क्या होती, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. अब जब क्या होगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी, तब क्या होगा, तब होता है लाइट का रिफ्रैक्शन. क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन. जैसे हम लोग की अपनी जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी उसमें क्या था, हमने मीडियम पढ़ा था. ठीक है, हम लोगों ने कितने टाइप्स के मीडियम पढ़े थे, 3 टाइप्स के मीडियम पढ़े थे. एयर ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसलूसेंट था और थर्ड क्या था, ओपेक मीडियम था. तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की. ठीक है, ऐसे मीडियम्स जिसमें क्या होते हैं, लाइट जो है इजिली प्रोपोगेट करती है. ठीक है, तो जब भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करती है, तो वो क्या करती है, उसके पाथ में कुछ चेंजेस आते हैं. क्या आता है, उसका पाथ कुछ चेंज हो जाता है. वो जो चेंज होता है पाथ, वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन. अभी तक क्या होता कि वो सेम मीडियम में जब वापस चली जा रही थी तो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था. लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है. क्या होता है, पाथ चेंज हो जाता है. वो जो पाथ चेंज होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आप देखेंगे ये है एक मीडियम, मान लीजिए कि ये एयर है. ठीक है, ठीक. और ये है दूसरा मीडियम, तो मान लीजिए कि ये मीडियम वन है. ठीक है, और ये है मीडियम टू. ठीक, क्या है, ये है मीडियम टू. ठीक, अब क्या हो रहा है कि लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है. कहां हो रही है, एक्स वाई सरफेस पे. कहां हो रही है, एक्स वाई सरफेस. ये जो एक्स वाई सरफेस है ये क्या कर रहा है, दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. ये मीडियम वन है और ये क्या है, मीडियम टू. अब ये लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है. अब क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो इसपे क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. एन और एन डैश क्या है, एक नॉर्मल है. एक लाइट जो लाइट रे क्या है, इंसिडेंट हुई और उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ओ. क्या है, ओ. उसके बाद वो उसको जाना था इस पाथ पे. ठीक है, अगर वो जाती तो वो जाती इस पाथ पे, लेकिन उसने अपना पाथ थोड़ा चेंज किया. उसने क्या किया, अपना पाथ थोड़ा चेंज किया और वो क्या हुई, इस पाथ पे गई. तो ये जो पाथ का चेंज है इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. देखिए जो हमारा डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मतलब ये कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो जो उसके पाथ में चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ये जो लाइट जो है जब दूसरे मीडियम में जा रही है, क्या करे, दूसरे मीडियम में जा रही है तो जो बेंड होती है, ये क्या होती है, बेंड हो रही है. ठीक है, ये जो बेंडिंग है लाइट का, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, मैं फिर आपको एक बार बता दे रही हूं कि अभी क्या हो रहा था. अभी इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था. लाइट स्ट्राइक होके सरफेस से बैक हो जा रही थी, वो सेम मीडियम में क्या हो रही थी, बैक हो रही थी, वो दूसरे मीडियम में नहीं जा रही थी. अब क्या हो रहा है कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और ये जो दूसरा मीडियम है ये क्या है, ये है ट्रांसपेरेंट मीडियम. क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिस ऐसे मीडियम जिसमें लाइट इजिली प्रोपोगेट कर सकती है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जब लाइट इंसिडेंट हो रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे तो उसके बाद वो लाइट
रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, वो लाइट दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। तब क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो जिस पाथ से वो इंसिडेंट हुई है वो उस पाथ को फॉलो नहीं करती है। क्या करती है, उस पाथ को फॉलो ना करके वो अपना पाथ थोड़ा चेंज कर लेती है। तो वो जो चेंज है पाथ, जो लाइट रे का जो पाथ चेंजिंग है, वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक हम लोग ने जो डेफिनेशन थी वो भी देख ली, अब दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक्यूली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या हो रही है, थोड़ी बेंड हो जा रही है। क्या हो रही है, थोड़ी बेंड हो जा रही है। वो जो बेंडिंग है वही क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। जो रिफ्रैक्शन है, जो लाइट का रिफ्रैक्शन है, वो कहाँ हो रहा है, बाउंड्री पे हो रहा है। क्या हो रहा है, बाउंड्री पे हो रहा है, मतलब दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है उस पे ही क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहीं से क्या हो रही है, लाइट जैसे ही इसके अंदर एंटर करी और यहीं से इसने अपना पाथ क्या किया, चेंज कर लिया। क्या किया, चेंज कर लिया, और वो जो उसका ओरिजिनल पाथ था वो उस पाथ पे ट्रेवल ना करके उसने अपना पाथ को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, ये जो पाथ चेंजिंग है यही है आपका रिफ्रैक्शन। अब आप देखिए कि क्योंकि एक्स वाई क्या है, एक सरफेस है जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। एन ओ एन डैश ये क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, क्या है, एक प्लेन है। अब ये क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, तो पहले जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तब भी जो इंसिडेंट रे थी वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती थी, कुछ एंगल बनाती थी, उसको हम क्या कहते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे भी जो इंसिडेंट, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी और वो एंगल भी क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे सेम है जो रिफ्लेक्शन के टाइम हो रहा था। अब यहाँ पे इंसिडेंट के बाद ही कुछ होगा, तो ये जो एंगल बना रही वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी क्या कर रही है, नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। क्या कर रही है, नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, और उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है और उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम अपने पॉइंट्स देखते हैं। ये सेम वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो क्या है, एन और एन डैश इज नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग द टू मीडिया। जो एन ओ एन डैश है वो क्या है, वो एक्स वाई जो सरफेस है जो दो मीडिया को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, उसी पर डाला गया एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल है। ठीक है, ठीक। सेकेंड, द एंगल विच द इंसिडेंट रे ए ओ, ये क्या है, इंसिडेंट रे ए ओ मेक्स विथ नॉर्मल एन ओ एन डैश इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेड बाई आई। जो इंसिडेंट रे है ए ओ वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो गया, एंगल ए ओ एन इक्वल टू क्या हो गया, एंगल आई। क्या हो गया, एंगल आई। उसके बाद है द एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे ओ बी
makes with normal NO and dash is the angle of refraction represented by R. अब जो है जो refracted ray है क्या है जो refracted ray है OB क्या है जो refracted ray OB है वो normal के साथ जो angle बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे angle of refraction और इसको किससे represent करेंगे small R से ठीक है तो angle BON dash is equal to angle R ठीक है अब जो इसका जो important point है वो क्या है कि जो angle of incidence और angle of refraction है वो equal नहीं होगा क्या होगा वो equal नहीं होगा क्यों नहीं होगा इससे पहले जो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे देख रहे थे जो हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे थे लाइट का तो उसमें क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा था लेकिन यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा क्या होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होगा या तो इन दोनों में से कोई भी छोटा होगा किसी दूसरे से या बड़ा होगा किसी दूसरे से ठीक है क्या है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज नेवर इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये कि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे ठीक वन मे बी स्मॉलर देन द अदर और लार्जर देन द अदर मतलब कोई एक चाहे दूसरे वाले से बड़ा होगा या छोटा होगा यही हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं होंगे अगर इक्वल होते तो आप सोचिए कि अगर ये इक्वल होते तो जो एंगल इंसिडेंट रे बना रही है वही सेम एंगल जो है रिफ्रैक्टेड रे बनाती तो वो क्या करती सेम पाथ को नहीं फॉलो करती तो वो सीधे ऐसे निकल जाती क्या करती अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री बनाता यहाँ पे भी ये 30 डिग्री बनाता तो ये सेम पाथ को फॉलो करती लेकिन रिफ्रैक्शन यही तो है कि वो क्या कर रहा है लाइट जो है दूसरे मीडियम में जाते ही क्या कर रहा है अपनी अपने पाथ को चेंज कर दे रहा है वो बेंड हो जा रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब या तो ये जो है या ये इसके एंगल से बड़ा होगा या तो ये यहाँ पे मान लीजिए कि 45 बना लेगा ठीक है क्या बना लेगा 45 बना लेगा ठीक या तो ये जो है ये क्या करेगा 20 बना लेगा ठीक है लेकिन सेम एंगल नहीं बनाएगा ठीक या तो एक जो है किसी से बड़ा होगा या तो छोटा होगा ठीक है ये समझ में आया अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा छोटा होगा अब आप देख ही रहे हैं कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा है तो क्या हो रहा है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है वो नॉर्मल के टूवर्ड क्या हो रहा है बेंड हो जा रहा है ठीक है आपने देखा कि अगर ये 30 होता तो ये 30 बनाते हुए जाता ठीक लेकिन अगर ये 30 से ज्यादा एंगल बनाता अगर मान लीजिए कि ये रे है ये जो उसको पाथ फॉलो करना चाहिए था ठीक है ये पाथ है अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा एंगल बनाता तो वो क्या होता है इधर की तरफ जाता ठीक क्या करता आउटवर्ड द नॉर्मल नॉर्मल से दूर जाता लेकिन जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा एंगल बनाएगा तो वो क्या होगा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा वो क्या होगा नॉर्मल की तरफ क्या होगा बेंड हो जाएगा ठीक है ये समझ में आया आपको तो आज का जो हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आज के लिए सिर्फ इतना ही यही इतना ही टॉपिक था आज का हमारा तो अब हम मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक पे और एक न्यू क्लास के साथ ठीक है